अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि उसको देखना तो है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, नंबर वन में बात करेंगे के एक नई सजेशन निकल कर सामने आई है रमीज राजा के हवाले से, चार मुल्की ट्रांजिशन सीरीज को लेकर क्या कहना है उनका, वो अपडेट आपको देंगे और बात करेंगे कि आईपीएल की तमाम टीमें जो है वो पहुंचना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेकर बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो सुनिए नंबर वन खबर निकल से बात कर लेते हैं। तो पहले टीम्स के हवाले से बात कर लेते हैं, तो इस वक्त जो आईपीएल की टीम्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं बायोस्फीयर बबल में, हर कोई ज्वाइन करना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि लगभग 10 दिन जो है वो रह गए हैं, तो तैयारियां रुझों पे है जी। देखिए हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि शेन वॉटसन की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल को ज्वाइन कर लिया है, ऐसा असिस्टेंट कोच करेंगे। साथ ही अगर आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, वो माफ कीजिएगा जसप्रीत बुमराह ने, हार्दिक पांड्या तो खैर अलग अपनी टीम के कप्तान बनी है, पहले वो भी मुंबई इंडियंस के पल्टून में होते थे लेकिन मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज में जबरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल करने के बाद। रिकी पोंटिंग और जो उनके हेड कोच है दिल्ली के, और इसके बाद जो असिस्टेंट कोच है, बॉलिंग कोच है सॉरी जेम्स, वो भी पहुंच गए इंडिया। काफ़ी सारे अगर आप टीम्स की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें तो बायो सिक्रेट बबल में एंट्री मारना शुरू हो गए हैं क्योंकि इस बार 10 टीम्स होंगी आपके आईपीएल में। काफ़ी जोश और वलवला नजर आ रहा है, काफ़ी सारी प्लेइंग कंडीशंस में जो है वो चेंजेस किए हैं। आज बीसीसीआई ने बायो सिक्रेट बबल की भी अपडेट दी है कि अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। अगर आप ओवरऑल बात करें तो अब इंडिया की जो सीरीज थी, जो इंडिया का होम सीजन था, वो हो गया खत्म, फुल स्टॉप। और अब जो जोश शुरू हो गया है वो हो गया है आईपीएल का, आईपीएल अब सिर्फ आईपीएल आईपीएल और आईपीएल ही चलेगा अगले 2.25 महीने। इस बार आईपीएल में इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, फैंस को थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि ठीक है आपकी 2 टीमें तो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं 10 टीमें, लेकिन इस बार शेड्यूल भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था बस आपने 2-2 मैचेस हर टीम से खेलने हैं, ऐसा नहीं है। इस बार ग्रुप बना दिए गए हैं, जैसे आपको पता है 2-2 ग्रुप्स हैं, ऐसा फ्रेंचाइज में कभी हुआ नहीं है, फ्रेंचाइज लीग्स में पहली बार हमने हमेशा देखा कि आईपीएल हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लेकर आता है, फिर बाकी फ्रेंचाइजीज भी मतलब बाकी डिफरेंट लीग्स भी जो है वो उसको फॉलो करना शुरू हो जाती हैं। तो इस बार भी आईपीएल डिफरेंट चीज़ें लेकर आया हुआ है, देखते हैं किस तरह से जो है वो अब फैंस की इंटरेक्शन बनती है, लेकिन जोश जो फैंस का वो हो रहा है। और ये वो टाइम आ जाता है अली, ये वो टाइम होता है, अभी तक सारे जुड़े हुए थे कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडियन फैंस हैं, अब सब अलग हो जाएंगे। ओ मैं दिल्ली का, ओ मैं राजस्थान का, ओ मैं कोलकाता का, ओ मैं बेंगलुरु का, ओ मैं चेन्नई का, मैं कर्नाटक, मैं तेलुगु, मैं जो हूँ वो पुणे का, मैं अहमदाबाद गुजरात का, मैं लखनऊ का। आपके पीएसएल में भी ऐसा ही होता है, आप हो जाते हैं कराची के, मैं हो जाता हूँ लाहौर का, कराची हार के बाहर हो जाती है। इसी तरह आप जो है इस बार किसी और टीम के होंगे, मैं होंगे आरसीबी का, आरसीबी जीतती जीती जाएगी, वही जीत जाती है। देखें इस बार आरसीबी को जितवाया ना तो आप बताइएगा, चले ठीक है आप शर्त लगा लीजिएगा इस बार आरसीबी जो कप उठा लेगी। क्या लगाते हैं, लाहौर कलंदर ने भी तो उठाया ना, लाहौर कलंदर ने भी तो उठाया ना पीएसएल में, ठीक है लेकिन कितने अरसे से आप लगे हुए थे उसके बाद, लेकिन अब मेहनत रंग ले आई है। तो इस बार आरसीबी भी देख लीजिएगा, कप्तान चेंज वहां भी हुआ, कप्तान चेंज यहां भी हुआ, देखिएगा क्या होता है। चलिए देखते हैं आप ऐसे फाफ डुप्लेसिस इस बार बने हैं कप्तान, किस तरह से वो टीम को लेकर जाते हैं। फैंस की ख्वाहिशात थी आरसीबी के विराट कोहली दोबारा कप्तानी कर रहे थे, लेकिन ठीक है आप देखते हैं कि फाफ डुप्लेसिस किस तरह से कप्तानी करेंगे। लास्ट ईयर जो सीएसके जीती थी उसमें फाफ का बड़ा अहम किरदार था, ऑब्वियसली धोनी कप्तान थे, उनकी लेजेसी एक अलग ही थी, लेकिन फाफ ने विद द बैट बड़ा एक अहम रोल अदा किया था और इस बात का जिक्र धोनी ने भी काफी बार किया। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है के फोर नेशन जो है, फोर नेशन कप के हवाले से रमीज राजा ने जो है वो अपडेट दी है। पहले वो बात कर रहे थे 3 नेशन ट्रायल सीरीज की, जिसके अंदर जो है आपको पता है बीसीसीआई की तरफ से इनकार आ गया था, जय शाह ने कहा था कि नहीं भाई हम इसको नहीं करवा सकते। तो अब उन्होंने 4 नेशन जो है कप के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि एक अपडेट मतलब जो आ रही है वो आ रही है कि वो सौरव गंगुली दादा के साथ बात करेंगे इस हवाले से कि भाई जन 4 नेशन सीरीज होनी चाहिए। देखिए जो बड़ी अपडेट आ रही है, आपको पता है कि 19 मार्च को एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है दुबई में, जहां पर सौरव गंगुली भी शरीक होंगे, नाजिम उल हसन बीसीबी के प्रेसिडेंट भी होंगे, अफगानी चेयरमैन भी मौजूद होंगे, पीसीबी की तरफ से रमीज राजा भी मौजूद होंगे। रमीज राजा ने आज ये बात कह दी है कि वो रमीज राजा साहब दादा सौरव गंगुली को ये प्रपोजल देने जा रहे हैं 4 नेशन सीरीज का। आपको पता है इससे पहले जय शाह ने रिजेक्ट कर दिया था, मीडिया में आकर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे नहीं जाते और हमारा मेन मकसद यह है बीसीसीआई का कि क्रिकेट को ग्लोबल बनाए, ना सिर्फ के 3-4 मुल्कों के गिर्द घुमाएं। लेकिन अब रमीज राजा ने डिसाइड किया है कि बकायदा तौर पर एक प्रपोजल पेश करने जा रहे हैं सौरव गंगुली को, जिसमें वो ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत,
ये एक फोर मुल्की सीरीज खेले, लेकिन इस पर एक और भी अपडेट है। लेकिन रमीज राजा ने कहा कि अगर तो ये ना माने, मतलब क्योंकि आपको पता है सौरभ के हाथ में है कुछ नहीं, गवर्नमेंट की बात है, अगर गवर्नमेंट ना मानी इंडियन तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर हम ट्राई नेशन पर हम फोकस कर सकते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ करवा दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हमने भारत के साथ क्रिकेट खेलना है और भारत के साथ हम इस तरह से खेलेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेल लेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर ले और पार्टिसिपेंट पाकिस्तान भी और भारत भी हो, यानी कि बायलैटरल सीरीज ना हो, यानी कि होता ही है ना कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी तो वो हम नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसे किसी और टूर्नामेंट में हम सीरीज खेल लें। अब अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो एशिया कप जोड़ रहे हैं 19 मार्च से एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिए। मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा कि जो आपका इस बार अगस्त और सितंबर में एशिया कप होना है उसकी तारीखें क्या होनी चाहिए, उसकी डेट्स क्या होनी चाहिए, कौन से टाइम पर एशिया कप होना चाहिए, उसके लिए बकायदा तौर पर यह मीटिंग रखी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि जो शेड्यूल है उसके हवाले से भी हमारे पास आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं। शेड्यूल की जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जा रहा है, अभी तक की जो अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और एक एसोसिएट टीम यानी कि यूएई या नेपाल, इनको साथ रख दिया जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के एक ग्रुप में, छह टीमें शिरकत करेंगी, जबकि दूसरा ग्रुप जो होगा उसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनका ग्रुप होगा। होगा यह कि दो ग्रुप, इस ग्रुप में से पाकिस्तान और इंडिया आगे जाएंगी और वहां से बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान, दो टीमें वहां से आगे आएंगी। अब चार जो होगा वो सुपर फोर का राउंड होगा और एक एक से सारे आपस में मैचेस खेलेंगे और उसके बाद फिर जो दो टीमें जाएंगी वो फाइनल में जाएंगी। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि पीसीबी और इवन बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो डिसिल्वा साहब हैं वो ये चाहते हैं कि इसी फॉर्मेट पर एशिया कप करवाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को वो इस फॉर्मेट पर होता है। सही है, इससे पहले और फॉर्मेट्स भी करवाए गए हैं लेकिन उनसे इतना फायदा नहीं होता, ये फॉर्मेट सबसे ज्यादा सूट कर रहा है क्योंकि इस फॉर्मेट के तहत पाकिस्तान और इंडिया दो मैचेस खेल लेते हैं लीग मैचेस में, यानी कि एक पहले राउंड में एक दूसरे राउंड में, और अगर दोनों अच्छा करें, लाइक अगर आप 2018 की बात कर लें वैसा शेड्यूल, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जा सका था फाइनल में लेकिन बांग्लादेश चला गया था, लेकिन अगर पाकिस्तान भी फाइनल में चला गया और इंडिया भी फाइनल में चला गया तो भाईजान ये तीन बार फाइनल में आपको दिखाई, तीन बार आपको ये आपस में टकराते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 19 मार्च को जो श्रीलंका में एशिया कप खेला जाएगा वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 19 तारीख से इसकी मीटिंग होगी, आई थिंक तीन रोजा ये कॉन्फ्रेंस चलेगी जिसमें सारे गए हुए होंगे, तो उसमें डिटेल में बात की जाएगी, और भी हो सकता है कि शायद शेड्यूल को चेंज भी कर दिया जाए और भी तब्दील किया जाए, लेकिन बाकायदा तौर पर डेट्स भी डिसाइड की जाएंगी कि जब पाकिस्तान भी फ्री हो, इंडिया भी फ्री हो, बाकी मुल्क भी फ्री हो। और अभी तक की जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो डी सिल्वा ने हमें अपडेट दी थी, यानी कि जो श्रीलंकन क्रिकेट के जो हेड हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो आयरलैंड का एक अखबार है उसके साथ वो बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपडेट दी थी वो ये कह रहे थे कि अगस्त के आखिर में, यानी कि आप कह लें कि पाकिस्तान का ऑलरेडी दौरा होगा श्रीलंका का जिसमें आपने टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, तो उस टेस्ट सीरीज के बाद, वो जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन शायद पाकिस्तान श्रीलंका में ही स्टे करेगा, बायोस्फीयर बबल में ही रहेगा, और उसके बाद 20 से 22 तारीख, अब आगे पीछे हो सकती है लेकिन अभी तक जो अपडेट है, जो 20 से 22 इन तारीखों में एशिया कप शुरू किया जाएगा। भारत होपफुल है कि वेस्ट इंडीज में होगी तो वो वहां से आएगी और जो उनके T20 के कुछ खिलाड़ी होंगे तो वो शायद इंडिया से डायरेक्ट वहां पर आ जाएं। तो 20 22 तारीख से ये एशिया कप शुरू होगा, ऑलमोस्ट 12 से 14 दिन का ये कप चलेगा और आपका जो सितंबर है उसके पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते तक जो एशिया कप ये चलेगा। तो ये अपडेट आ रही है एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जो 19 मार्च को मीटिंग है, सारे जितने भी आप कह लें कि बड़े बड़े चेयरमैन हैं एशिया के वो सब वहां पर जाएंगे। तो ये अपडेट भजन आपको एशिया कप के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।